हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 हेल्दी सराउंडिंग के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था, और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई इज़ वॉकिंग और साइकिलिंग गुड फॉर द इन्वायरमेंट। वॉकिंग और साइकिलिंग हमारे इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, अच्छा कैसे, किस तरीके से है। वॉकिंग और साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज इट डज़ नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। क्योंकि पैदल चलने से और साइकिल यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमने कहीं नियर बाय प्लेसेस पर जाना है तो हमें पैदल जाना चाहिए या फिर साइकिल यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ डू ट्रीज़ क्लीन द एयर। जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हवा को किस तरीके से साफ़ करते हैं। सो ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच क्लीन्स द एयर। सो जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारी हवा जो होती है वो साफ हो जाती है। इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट टू थिंग्स दैट द मैन इन खमन डज। जो ये जगह है खम्मम, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ पे जो एक पर्सन है उन्होंने क्या किया था। इन खम्मम अ मैन हैज़ बीन प्लांटिंग ट्री सीड्स टू ग्रो ट्रीज। उन्होंने काफ़ी सारे बीजों को प्लांट किया था ताकि उनमें से ट्री निकले, और ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू अदर सो दैट दे कैन प्लांट ट्रीज। और उन्होंने लोगों में भी वो बीज बांटे ताकि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। सो ये तो थे क्वेश्चन आंसर्स, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। और अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डू नॉट नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट। क्या हमें क्लीन, एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट इज़ फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और इसकी करेक्शन होगी वी नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट, कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोक फ्रॉम फायर्स एंड फैक्ट्रीज इज़ वन रीज़न फॉर द एयर पोल्यूशन। सो दैट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज जितना भी स्मोक, धुआं निकलता है आग लगाने से या फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, और तो वो हमारी एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज मेडिसिन स्प्रेड बाय फार्मर्स ऑन प्लांट्स डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स, कि इसकी करेक्शन होगी मेडिसिन स्प्रेड बाय फार्मर्स ऑन प्लांट हार्म द इन्वायरमेंट। क्योंकि जो जो किसान अपने खेतों में दवाइयाँ डालते हैं वो पानी के थ्रू रिवर्स में वो पानी जाता है और वो उसको पॉल्यूट करती हैं, तो वो बहुत हार्मफुल होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रूट्स ऑफ ट्रीज स्टॉप द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे विद रेन। सो दिस इज़ ट्रू, कि जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो मिट्टी को आपस में जकड़ के रखती हैं, जिससे वो बारिश के पानी से बहती नहीं है और वेस्ट नहीं होती हैं। सो ये ट्रू है। एंड लास्ट वन इज़ ओनली गवर्नमेंट शुड वर्क टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट को ही इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए काम करना चाहिए। सो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स, और इसका करेक्शन होएगी नॉट ओनली गवर्नमेंट, वी शुड ऑल्सो वर्क टू क्लीन द इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हमें भी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए और जितना हो सके अपने पास से एफर्ट्स करने चाहिए। सो ये ट्रू फॉल्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।